नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीका से कर रहे होंगे, क्योंकि अंतिम दिन चल रहे हैं और अंतिम दिनों में बेस्ट करना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो देखिए, आज हम फिर से आप लोगों के लिए 25 बड़े धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आ गए हम, जो हर बार एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस मत कर देना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या कह रहा, देखिए, गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहर में से है, तो उसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। बताओ, गंगा नहर का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था, कौन से सन में कराया था? तो देखिए, 1927 के अंदर कराया था। कब कराया था? 1927 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को राइट आंसर लगा लेना, और हाँ, मिस मत कर देना, बार बार नहीं बोलूंगा। चलिए सुमेलित कीजिएगा। देखिए, लिफ्ट परियोजना और पीने की आपूर्ति, मतलब पानी के पीने की आपूर्ति, इनको सुमेलित करना है आपस में। तो देखिए, सबसे पहले कवर सेन लिफ्ट नहर का संबंध बीकानेर से होगा, और देखिए गंदेली साहब लिफ्ट नहर का संबंध चूरू से हो जाएगा, राजीव गांधी जोधपुर से हो जाएगा, और गजनेर लिफ्ट नहर कहाँ हो जाएगा? नागौर से हो जाएगा। लिख लेना, एक एक क्वेश्चन को छाप लेना है। राजस्थान फ्रीडर की स्थापना में लंबाई है, बताओ भाई, राजस्थान फ्रीडर की, राजस्थान में जो लंबाई है कितनी है, याद कर लेना है, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 35 किलोमीटर है। एक एक क्वेश्चन समझ लो, एनर्जी भरा क्वेश्चन है। देखिए, आई, याद कर लेना आपका, आई जी जी नई ऊर्जा का उत्पादन केंद्र है। देखिए, आई जी ए एन जी जो नई ऊर्जा का उत्पादन केंद्र है ना, उसके बारे में बताओ। ये सभी के सभी, बीसलपुर होगा, चारनवाला होगा और पोंगल होगा, ये सभी के सभी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही कर लेना। देखिए, पांचना बांध किसकी सहायता से निर्मित किया गया है, पांचना बांध किसकी सहायता से निर्मित किया गया है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। अरे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी लिख लेना, संयुक्त राज्य अमेरिका है जो, ठीक है। और देखिए, आईजीएनजी की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, बताओ भाई, करनी सिंह होगा, वीर तेजा जी होगा, जयनारायण होगा, या कंवर सेन होगा, याद कर लेना, कंवर सेन जो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम लाजवाब है, कंवर सेन है जो, ठीक है ना। चलिए, भांगड़ा बांध के जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भांगड़ा बांध के जो जलवायु को किस नाम से जाना जाता है, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबको पता होना चाहिए। अरे, गोविंद सागर, ऑप्शन नंबर सी कौन सी होगी, गोविंद सागर होगी, और आंसरों को देख लेना। बिलास परियोजना किस जिले में, अरे मेरे चीतो है, अरे अगर एग्जाम के चीतड़े ना उड़ाए तो मजा किस बात का। बिलास परियोजना किस जिले के अंदर स्थित है, सबको पता भाई, बारा के अंदर है बिलास परियोजना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर लगा लेना है, बारा के अंदर है बिलास परियोजना, बारा के अंदर है जो, ठीक है ना। चलिए, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये तो आप लोगों ने देख लिया, और हाँ, इसको भूल के मत चले जाना, मैं आपको बता रहा हूं, बात 50 रुपए की नहीं है, ये मेरी मेहनत, पूरी साल की मेहनत और पूरी साल की शिद्दत की है, एक एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, एक एक क्वेश्चन देखो, मॉडल पेपर है 15 और 5000 एमसीक्यू है, जिसमें राजस्थान जीके के 3000, 1000 हिंदी के, 1000 शिक्षण अभिरुचि के, मात्र 50 रुपए में अभी लो यार। अगर आप लोगों का सिलेक्शन ना हो एग्जाम में, अगर डायरेक्ट देखने को ना मिले, तो गारंटी है। ये हमारा नंबर है 9896-87-98 में, देखिए तुरंत पाओ, तुरंत डालो और तुरंत पाओ, ये गारंटी के साथ है भैया, बहुत मेहनत से बना है, ले लो, बात पैसे की नहीं है भैया, आपके करियर की। चलिए, नंबर 9 का आंसर देख लेना, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है, सरिस्का अलवर के अंदर पड़ता है, केवला देव भरतपुर के अंदर पड़ता है, जय संबंध भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस अभ्यारण में चलाया गया, बताओ, इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया, याद कर लेना, रणथंभौर के अंदर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, रणथंभौर के अंदर। हरे गर्दन के तोते किस अभ्यारण की विशेषता है, हरे गर्दन के तोते हैं, अरे तोतों के बारे में बताओ भाई, हरे गर्दन के तोते तो सरिस्का के अंदर है, जो अलवर के अंदर पड़ता है, अलवर है ना, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, केवला देव भरतपुर, ताल छापर कहाँ है, चूरू है जो, ये आप लोगों को लिख लेना है। मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क किसका परिवर्तन नाम है भाई,
मकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क इसका परिवर्तित नाम है, देख लेना भाई। अरे राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क आप लोगों बिल्कुल सही कर लेना है, ठीक है। देखिए रामसर कन्वेक्शन द्वारा राजस्थान में नवभूति घोषित हुआ, इसके बारे में बताओ भाई। नंबर 13 का आंसर देख लेना है, ए और बी दोनों राइट आंसर लगा लेना आपको, ए और बी देखो कौन से हो जाएंगे, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत की गई, ऑपरेशन खेजड़ी की जो शुरुआत की गई थी ना कब की गई थी, अरे 1991 को की गई थी, ऑप्शन नंबर डी छाप लेना है, 1991 इज द राइट आंसर होगा आपका, 1991 है जो, ठीक है। देखिए ऐचा नामक घास किस अभ्यारण्य में पाई जाती है, बिल्कुल देखिए यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, तो आपको जमाने को उड़ान दिखानी है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, केवला देव जो भरतपुर के अंदर पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी केवला देव कठे पड़ता है भाई, भरतपुर के अंदर पड़ता है, लिख लेना आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखो भाई क्या होगा, जब देखिए पाइथन पॉइंट पर देखिए याद कर लेना अजगर किस अभ्यारण की विशेषता है, देखिए पाइथन पॉइंट पर जो अजगर है ना किस अभ्यारण की विशेषता होगी, अरे केवला देव बिल्कुल सही कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी केवला देव इज द राइट आंसर होगा आप लोगों का, केवला देव है जो, ठीक है। देखिए लंगूरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण लंगूर, अंगूर मत समझ लेना ये इतना आसान नहीं है, लंगूरों के लिए अभ्यारण कौन सा भाई कमेंट करो जल्दी जल्दी। नंबर 17 का आंसर, अरे याद कर लेना आपका जम्बा रामगढ़, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, जम्बा रामगढ़ इज द करेक्ट आंसर, जम्बा रामगढ़ है जो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध, देखिए डांड देवी वन क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है भाई जल्दी बताओ, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध डांड देवी वन देखिए क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है, इसके बारे में बताओ, अरे कोटा बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, कोटा, कोटा का कहीं जहर आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर डी है जो, ठीक है ना। क्षेत्रफल की राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण, क्षेत्रफल की राज्य का जो सबसे बड़ा अभ्यारण है ना, सबसे बड़ा अभ्यारण राष्ट्रीय मरुद्यान कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय मरुद्यान राइट आंसर लिख लेना आपको, राष्ट्रीय मरुद्यान कर लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए ओसीदा क्या है, किस किस बच्चे को पता है ओसीदा के बारे में, गजब का क्वेश्चन है, ओ सीधा क्या, ओ सीधा के बारे में आप लोगों को बताना है। अभ्यारणों में अवलोकन याद कर लेना आपका सत्सम है ना, ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल लाजवाब है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर है, इंदिरा गांधी नहर पर जो बनाई गई पहली लिफ्ट नहर है ना उसका नाम होगा कवरसेन, क्या होगा मेरे चीतों, कवरसेन उसका नाम है, कवरसेन है जो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सुमेलित करके बताना। देखिए गांगरीन का संबंध जल्दी जल्दी देखो इसका होगा झालावाड़ से, और देखिए गलाडा का संबंध किससे हो जाएगा बूंदी से, देखिए मोरा सागर का संबंध किससे हो जाएगा मोरा सागर का, ये सवाई माधोपुर से, और टोकरा का सिरोही से, लिख लेना भैया, छापना है छापना, लिखने से काम नहीं चलेगा। चलिए सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना संबंधित है, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना अब तो बता दो रे, अंतिम दिनों का अंतिम समय चल रहा है। चलिए तो देखिए नंबर 23 का आंसर क्या होगा, इसका डूंगरपुर आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना, ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर इज द राइट आंसर होगा, डूंगरपुर है जो, ठीक है ना। देखिए लखवाड़ा बहुउद्देशीय बांध परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जाना, बताओ भाई किस नदी पर किया जाना, इसके बारे में जल्दी जल्दी बताओ सभी बच्चे। 24 का आंसर देख लो भाई, इसका आंसर होगा यमुना, इज द राइट आंसर होगा आपका यमुना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना जो, ठीक है ना। माई बजाज सागर परियोजना से संबंधित लाभ राज्य किस जिले को मिल रहा है, लाभ राज्य ना किस जिले को मिल रहा है भाई, बताओ भाई जल्दी जल्दी बताओ, अरे क्वेश्चन लाजवाब है भाई, समझ में आया ना। चलिए इसका आंसर वो कमेंट करके आप लोगों को बताना, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसलमेर होगा, बांसवाड़ा होगा, जालौर होगा, भीलवाड़ा होगा, अरे आप लोग आंसर बताओगे या नहीं बताओगे हमारे को बताओ है, इसका आंसर तो हम ही बताएंगे। नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही कर लेना भाई, बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लिख लेना बांसवाड़ा। अब ये लास्ट एंड फाइनल है, इसका आंसर आप कमेंट सेशन में जरूर बताना भाई, ठीक है।
देखिए, ड्रिप सिंचाई प्रणाली माइक्रो सिंचाई प्रणाली में पाइपलाइन द्वारा सीधे ही जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। यह प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई थी? इस प्रणाली के बारे में बताओ, किस देश में सबसे पहले विकसित की गई थी? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और हर एक जो क्लास चले ना उसमें जरूर जुड़ जाना, मौका नहीं है अब। और हाँ, अब मैंने क्या कहा यार, ये जल्दी ले लेना भाया, क्योंकि आप लोग का ना इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने क्वेश्चन आएंगे कि आप गिनते गिनते पागल हो जाएंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, 15 मॉडल पेपर प्लस में 5,000 MCQ मात्र ₹50 में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जी, इस नंबर पर पैसे डालने और संग के संग आप लोगों को 9680-8197-98। अरे बात पैसे की नहीं है, अरे बात है आप लोगों के क्वेश्चन की। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।